हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नीरज पांडे जो कल पूरा दिन मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, उनका रुख कर लेते हैं। डीएम साहब के आवास पर इस वक्त मौजूद है, दफ्तर पर इस वक्त मौजूद है। नीरज, डीएम साहब चेहरा दिखाने लायक हैं, अब दिखाएंगे। जी बिल्कुल, अब डीएम इस समय अपने आवास पर ही हैं और डीएम साहब निकल नहीं रहे हैं। जो भी बात कर रहे हैं टेलीफोन में कर रहे हैं। देखिए प्रतिमा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जिले में कोई घटना होती है, चलिए घटना हो गई, लेकिन घटना के बाद की जो इंसिडेंस है कम से कम उसमें तो संवेदनाएं बरती है। कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रशासनिक अधिकारी बड़ा ये नहीं कहता कि आप ऐसी घटनाएं करिए या ऐसी हरकतें करिए, लेकिन आपने यानी डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार, जो मेरे पीछे ये इनका आवास है, ये इन्होंने और इनके मातहत प्रेम प्रकाश मीणा जो यहाँ के एसडीएम है, इन लोगों की जो कारगुजारी है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। आखिर उस बेटी के परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, वहां पे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको कैद करने के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई मुख्यमंत्री कहता है क्या कि आप किसी कल तो गांधी जयंती थी, गांधी जयंती थी, आईएस बाबू ने अपने कोर्स में बापू को जरूर पढ़ा होगा, एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी। आपका कर्तव्य है न्याय दिलाना, ना कि अन्याय करना। आपको एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी। क्या कर क्या रहे डीएम? कल फोटो ऑप का बहाना मिल गया उन्हें गांधी जयंती के मौके पर, तो 2 मिनट के लिए घर से बाहर आए, लेकिन रविकांत पूछते रह गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज क्या बहाना है उनके पास छुप कर बैठे रहने का? प्रतिमा बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, आज भी चुपचाप छुपे हुए बैठे हुए हैं अपने आवास में, एक किले नुमा आवास। चूंकि जिलाधिकारी हैं तो जिलाधिकारी के नाम से एक बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आप देखिए किले नुमा आवास पर किस तरह से अंदर छुपे बैठे हैं। यदि यही अपराध कोई छोटा आदमी करता, छोटा अधिकारी करता, तो उसको निपटा दिया जाता। बाकी एसएसपी को, सीओ को, इंस्पेक्टर को, उनके साथ 8 पुलिस कर्मियों को, सबको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, यानी जो सबसे बड़ा दोषी है, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, कह तो रही हम, आप डाल लीजिए पर्दा, आप मार लीजिए कैमरा पर हाथ, आप निकाल लीजिए लाइव फीड की तार, लेकिन हम सच दिखाएंगे, सच से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे जो पीड़ित परिवार कहना चाहता है, उसकी आवाज देश की जनता तक, दुनिया तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज ने इस मुहिम में शुरुआत से कहा है कि हमारी ताकत दर्शक है, और दर्शकों ने कल दिखा दिया कि एबीपी न्यूज की इस कोशिश में, जिसमें लगातार हम कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार से मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो, कितना भरपूर साथ दर्शकों का मिला है ये हमने तस्वीरों में देखा। और शायद उत्साह से डर गई है हाथरस की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, क्योंकि कल तक ये कॉर्डन ऑफ किया गया था एक रस्सी के सहारे, लेकिन वो रस्सी कमजोर पड़ गई तो बैरिकेड्स लगा दिए गए। और इसके बाद देखिए पुलिस बल भी कल के मुकाबले बहुत बढ़ गया। हैरानी की बात यह, आज महिला सिपाही नहीं है। आज अगर मैं कोशिश करूंगी तो महिला सिपाही तो आपने बुलाई नहीं, क्या हुआ? महिला सिपाही कहाँ है? अगर मैं कोशिश करूँ उसको लांगने की तो कौन रोकेगा मुझे? कुछ होगा तब तो कहेंगे ये तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर किसने दिया? किसी को नहीं पता ऊपर वाला कौन है, किसी को नहीं पता। ये हालात सिर्फ यहाँ नहीं है, वो देखिए मनोज पैन कीजिए, वो रास्ता है जहाँ मैं अभी लेकर गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये एडजॉइनिंग रोड्स इसी गांव के रास्ते जाती हैं, सड़क के रास्ते जाती हैं, और 1 किलोमीटर की दूरी पर उस पीड़िता का गांव है जिसे किले में तब्दील कर दिया गया है। न जाने वहां क्या हो गया है, कौन सा आत्मघाती हमला होने वाला है। 200 पुलिस वाले, कल जानकारी मिली थी दोपहर के वक्त कि 200 पुलिस वाले, और ये जानकारी किसी और ने नहीं, पीड़ित परिवार से एक बच्चा भागते हुए खेतों के सहारे बाहर आया, डरा सहमा, मुझसे बात की, अंजलि सिंह से बात की, और कहता रह गया मैम परिवार वाले डरे हुए हैं, कह रहे हैं मीडिया को अंदर आने दो। उन्होंने ये तक कहा कि कोशिश कीजिए कि मीडिया अंदर आ जाए, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमारे फोन जब्त करने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर गई तो न केवल फोन ऑफ करेंगे लेकिन फोन अपने पास भी रख लेंगे। हालात कितने खराब है, लेकिन आपको बता दें कि एबीपी न्यूज एक बेहद जिम्मेदार चैनल है, संवेदनशील पत्रकारिता हमारी ताकत है। आज नहीं, निर्भया के मामले का उदाहरण आप देख लीजिए, 2012 में भी इसी तरीके से मैंने आवाज बुलंद की थी, आज भी कर रही हूँ।